हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल ने अनूठे तरीके से दी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सरहदी बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल ने पौधारोपण कर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बीएसएफ डीआईजी गुरुपाल सिंह की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में गुजरात के कोटेश्वरम से पंजाब के वाघा बॉर्डर तक बेटी बचाओ का संदेश मुखर करने वाली सद्भावना यात्रा के सदस्यों ने शिरकत की। इस अवसर पर डीआईजी गुरुपाल सिंह ने कहा कि इस बार मानसून में बाड़मेर से लगती पाकिस्तान की सरहद पर सीमा सुरक्षा बल ने 38,000 पौधों को लगाकर ग्रीन चेन बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरहद की हिफाजत में लगे जवान अपनी सरहद, अपने देश की मिट्टी और अपने पर्यावरण से भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं। जिला मुख्यालय पर सेक्टर हेडक्वार्टर पर आयोजित कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ सद्भावना यात्रा के सदस्य मदन बारूपाल, अशोक राजपुरोहित, प्रवीण बोथरा, ठाकरा राम मेघवाल, जसवंत सिंह और मनमोहन सेजू मौजूद थे। शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बाड़मेर सेक्टर मुख्यालय के अलावा सरहद के विभिन्न बॉर्डर आउट पोस्ट पर बापू की याद में सीमा सुरक्षा बल के जवान पौधारोपण करेंगे। बाड़मेर वासियों को बोलता हूँ, एक तो इसका ब्यूटीफिकेशन, सिटी का ब्यूटीफिकेशन होगा, उसके बाद में इससे प्रेरित होंगे लोग, और इसके अलावा जो है ये वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।